फिल्म और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल News99 को। भारत की विविधता इसकी विशेषता भी है, भारत की विविधता ये भारत की शक्ति भी है। रमजान का पवित्र महीना सब दूर इबादत में पवित्र भाव के साथ मनाया। अब ईद का त्योहार है, ईद उल फितर के इस अवसर पर मेरी तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमजान महीना पुण्य दान का महीना है, खुशियों को बांटने का महीना है, और जितनी खुशियां बांटते हैं उतनी खुशियां बढ़ती हैं। आए हम सब मिलकर के इन पवित्र उत्सवों से प्रेरणा लेकर के खुशियों के खजाने को बांटते चले, देश को आगे बढ़ाते चले। रमजान के इस पवित्र महीने में उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मुबारकपुर गांव की एक बड़ी प्रेरक घटना मेरे सामने आई। करीब 3,500 हमारे मुसलमान भाई बहनों के परिवार वहां उस छोटे से गांव में बसते हैं। एक प्रकार से ज्यादा आबादी हमारे मुस्लिम परिवार के भाइयों बहनों की है। इस रमजान के अंदर गांव वालों ने मिलकर के शौचालय बनाने का निर्णय किया, और इस व्यक्तिगत शौचालय के अंदर सरकार की तरफ से भी सहायता मिलती है, और उस सहायता की राशि करीब 17 लाख रुपये उनको दी गई। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य भी होगा, आनंद होगा, रमजान के इस पवित्र महीने में सभी मुसलमान भाइयों बहनों ने सरकार को ये 17 लाख रुपये वापस लौटा दिए, और ये कहा कि हम हमारा शौचालय हमारे परिश्रम से हमारे पैसों से बनाएंगे, ये 17 लाख रुपये आप गांव की अन्य सुविधाओं के लिए खर्च कीजिए। मैं मुबारकपुर के सभी ग्रामजनों को रमजान के इस पवित्र अवसर को समाज की भलाई के अवसर में पलटने के लिए बधाई देता हूं। उनकी एक एक चीज भी बड़ी ही प्रेरक है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने मुबारकपुर को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 प्रदेश ऐसे हैं, सिक्किम, हिमाचल और केरल, वो पहले ही खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं। फिर एक बार मेरे प्यारे देशवासियों, वर्षा ऋतु, लगातार उत्सवों का माहौल, एक प्रकार से ये कालखंड की अनुभूति नहीं होती है। मैं फिर एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अगले मन की बात के समय फिर कुछ बातें करूंगा। नमस्कार।